सब्सक्राइब करें और देखें एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लेट नाइट पार्टी से फारिग होकर मैं अपने घर वापस जा रहा था। मैं हाईवे पर ड्राइव कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए यूँ ड्राइव करना सेफ नहीं था, तो मैंने पास वाले एक होटल में रात रुकने का फैसला किया। होटल बहुत बड़ा नहीं था, देखने में भी ठीक था, लेकिन कुछ तो था उस होटल में जो मुझे अजीब लग रहा था। रिसेप्शन पे मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और कीज लेके मैं अपने रूम की तरफ चल पड़ा। मेरे रूम का नंबर 13 था, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था। फर्स्ट फ्लोर की लॉबी से मैं गुजर रहा था, तभी मुझे किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई थी। वो आवाज़ रूम नंबर 10 से आ रही थी, जो कि मेरे रूम के पास में ही था। मैं चलते हुए वहाँ रुक गया, तभी मैंने नोटिस किया उस रूम का दरवाज़ा बाकी रूम से थोड़ा अलग है। वो दरवाज़ा पुराने टाइप का था, उसका डोर लॉक भी बाकी सारे डोर से डिफरेंट था। उसके अंदर एक बड़ा सा की होल था, जिसमें से आसानी से अंदर देखा जा सकता था। मुझे ये करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, इसलिए मैंने की होल से अंदर की तरफ झांका। अंदर एक लड़की बेड पर बैठी थी, उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी। मुझे वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी, लेकिन मैं उसको इग्नोर करके अपने रूम में चला गया। मैंने अपना डोर लॉक किया और सो गया। अगली सुबह फिर मैं लॉबी से गुजर रहा था, तब पता नहीं क्यों मैं उसी लड़की के बारे में सोचने लगा। मुझे रूम नंबर 10 के बारे में क्यूरियोसिटी होने लगी। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की है कौन। मैं उस रूम के सामने रुका एंड अगेन की होल से देखा, लेकिन इस दफ़ा ना तो मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही वो लड़की दिखाई दे रही थी, बस मुझे एक रेड कलर दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा शायद उसे कल पता चल गया होगा कि मैं की होल से देख रहा हूँ, तो मैं भी उसने की होल को किसी लाल रंग के कपड़े से ढक दिया हो। तब मुझे फील हुआ कि इस की होल से जाके मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया। मैं पीछे हटा और काउंटर की तरफ चल पड़ा। रिसेप्शन पे मैंने रूम की चाबी ड्रॉप की और जाने से पहले वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या मुझे बता सकती हो उस रूम नंबर 10 में क्या चल रहा है? उस रूम का दरवाज़ा डिफरेंट क्यों है और वहाँ वो छोटी लड़की अकेली क्यों रह रही है? तब वह हैरान हो गई और कुछ देर के लिए स्टिल साइलेंट मुझे देखती रही। एंड देन उसने कहा, आपका मतलब वो रूम नंबर 10? ये होटल की रेनोवेशन से पहले की बात है। वहाँ वेकेशंस पे एक फैमिली रहने आई थी, हस्बैंड, वाइफ और उनकी छोटी बेटी। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को मार डाला और दोनों ने खुद भी खुदकुशी कर ली। और उस वाक्य के बाद बहुत से गेस्ट ने उस बच्ची को वहाँ देखा है। और सभी एक ही बात कहते हैं, उस लड़की की आंखें एकदम रेड हैं, जैसे आंखों में खून उतर आया हो। ये सब सुन के मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं डर के मारे सुन पड़ गया, ये सोच कर के की होल में दिखाई देने वाला रेड कलर आखिर किस चीज़ का था। क्या की होल से वो मुझे देख रही थी?